रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 9 महीने से जारी युद्ध ने एक बार फिर दुनिया के लिए परमाणु जंग का खतरा पैदा कर दिया है। 2 महीने पहले न्यूक्लियर वॉर की धमकी से इनकार कर चुके रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नई वार्निंग से दुनिया, खास करके यूरोपियन देश में दहशत है। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन ने बुधवार को मानवाधिकार परिषद की एक बैठक के दौरान अमेरिका और उसके सहयोगी राष्ट्रों पर दुनिया को परमाणु युद्ध की ओर ले जाने का जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने न्यूक्लियर वॉर को लेकर चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा है कि दुनिया में न्यूक्लियर वॉर का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन रूस हर तरह से अपनी रक्षा करने में सक्षम है। पुतिन का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब यूरोपियन यूनियन ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। इन नए प्रतिबंधों में ड्रोन सेक्टर पर प्रतिबंध के साथ साथ अन्य टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी रोक शामिल है। पुतिन ने कहा कि रूस हर संभव तरीके से अपनी सीमा और अपने सहयोगी राष्ट्रों की रक्षा करेगा। उन्होंने कहा कि रूस ने नहीं बल्कि अमेरिका ने अन्य देशों में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की सप्लाई बढ़ाई है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच पुतिन की सेना परमाणु हमले से जुड़ा युद्ध अभ्यास कर चुकी है। रूस के इस आक्रामक रुख के बाद अमेरिका ने यूरोप में टैक्टिकल न्यूक्लियर बमों की सप्लाई बढ़ा दी थी। अमेरिकी सेना ने हाइपरसोनिक हथियारों का टेस्ट किया था। अमेरिका ने कई न्यूक्लियर हथियारों को नाटो के प्रमुख ठिकानों पर भेजने का फैसला किया था। इन हथियारों में V-6112 थर्मो न्यूक्लियर बम भी शामिल है। आपको बता दें कि इससे पहले पुतिन अपने न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को अलर्ट पर रख चुके हैं। वे परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी भी दे चुके हैं। रूस के पास दुनिया में सबसे अधिक न्यूक्लियर हथियार है, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA चीफ विलियम बनर्स ने रूस को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा था कि यूक्रेन युद्ध में अगर रूस की तरफ से परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया जाता है तो रूस को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की इस धमकी के पीछे इसी हफ्ते दो बार यूक्रेन का रूस में घुसकर उसके हवाई अड्डे को निशाने से जोड़कर देखा जा रहा है। एक दिन पहले ही रूस ने इन हमलों के लिए अमेरिका पर यूक्रेन को उकसाने का आरोप लगाया था, लेकिन अमेरिका ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया था। रूस यूक्रेन युद्ध न्यूक्लियर वॉर में तब्दील होगा कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।